दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। चलिए आपको दिखाने वाले वीडियो पाकिस्तान की हैं, जो कि पाकिस्तान पब्लिक बोल रही है आटा चाहिए, कश्मीर चाहिए। तो इसको लेकर वहाँ की पब्लिक जो है रोडों पर निकल आई है और बहुत जो है नारे लग रहे हैं वहाँ पर। तो आप वीडियो बने रहे अंत तक, फिर आपको दिखाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये पाकिस्तान के लिए अब इंडियन मोदी बने हुए हैं। इनका एक ही मकसद है, पाकिस्तान की आवाम को मार दो और अपने बच्चों को जो है वो बाहर जाके जायदादें बना दो, उनके फ्लैट बना दो, उनके बंगले बना दो। जब इनका बारी आती है कि ये फ्लॉप हो रहे हैं तो ये मुल्क से इमरान खान, मरियम नवाज और लुट के खा गए, फ्रॉड ये सारे, लुटेरे सारे, लुटेरे सारे, लुटेरे सारे, फ्रॉड ये सारे। मुझे ये बताएं सिंपल सी, आटा या कश्मीरी सेम जो कंडीशन है सर, देखे पहले अपने पाकिस्तान को देखे, जो हमारे भाई भूखे मारे। यहाँ पे 28 करोड़ आवाम है, वहाँ पे 1 करोड़ आवाम होगी, लेकिन ये 28 करोड़ आवाम भूखी मार रही है। पहले तो हम पाकिस्तान को देखें ना, फिर हम दूसरे मुल्कों के देखेंगे। ये मेरा जवाब है। पहले कश्मीर या आटा, इस टाइम जो आटा। ये देखें जी साहब, मैं रैंडमली यहाँ पर लोगों से पूछ रहा हूँ, भाई जान इस टाइम जो कंडीशन है, कश्मीर चाहिए आटा चाहिए? फिलहाल तो आटा चाहिए भाई। गरीब से अगर पूछा जाए कि आपको कश्मीर चाहिए या आटा चाहिए, तो ये क्या जवाब देखें जी? आज की जो पोजीशन नजर आ रही है, ये मजदूर यही कहेंगे कि हमें कश्मीर नहीं चाहिए, हमें जीने के लिए आटा चाहिए। आटा चाहिए या कश्मीर? सबसे पहले बात तो यह है कि जब हमने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसके लिहाज से तो हमें कश्मीर भी चाहिए। लेकिन अगर हम जिंदा रहेंगे तो कश्मीर के लिए जाएंगे। जब इधर के हुक्मरान ही मोदी बन जाएंगे तो हम कश्मीर को फतह कैसे करें? सस्ता आटा तो मिल रहा है, लेकिन उस सस्ते आटे की लाइन में लग के लोगों की जाने जा रही हैं। पांच पांच बच्चे लोग अपने वैसे ही अपने हाथों से कत्ल कर रहे हैं कि रोटी नहीं दे सकते। हमें नारा 75 साल से कश्मीर का सुनाया गया और आज हमें आटा नहीं मिल रहा, कश्मीर तो दूर की बात। अपनी जाने दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि जैसे इंडिया साइड कश्मीर की बात करें, वो तो डेवलपमेंट, वहाँ पे आटे की कीमत बहुत सस्ती है, वहाँ पे गंदम की कीमत बहुत सस्ती है और हम उसे मकबूजा कश्मीर कहते हैं, इसे आजाद कश्मीर यहाँ पे कहते हैं और यहाँ आटा नहीं मिल रहा। देखें जी, ये बिल्कुल यहाँ पे जो भी सियासतदान कश्मीर के हवाले से ये मैप खींचते हैं, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल उसके उल्ट है। मुझे तो ऐसा लग रहा है आज कश्मीर आज़ाद है और पाकिस्तान जो है ना ये आज़ाद नहीं है, ये कब्जे में नहीं है, यहाँ पे आटा नहीं है। पाकिस्तान से ज़्यादा तो आज कश्मीर के दुकानों पे आटा है, मगर अफसोस की बात यहाँ पे खाने पीने के लिए दूसरी अशियों के से सबसे ज़्यादा आटा यहाँ पे है ही नहीं है। ब्लैकमेलिंग है, करप्शन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत दुख में लग रही है, क्या वजह है? आपने बोला है भूख से मर गए, पाकिस्तान की आवाम क्या भूख से मर रही है? आवाम भूख से मर रही है, आवाम के लिए पानी पीना भी मुश्किल हो गया है, पानी पीना भी मुश्किल हो गया है आवाम के लिए। पहले तो हमने सुना था कि गरीब आवाम आटे की लाइनों में लग के अपनी जाने दे रहे हैं। ये आटा नहीं बांट रहे, ये लुटेरे हुक्मरान, ये चोर चके ये आटा नहीं बांट रहे, ये मौत बांट रहे हैं। एक रोटी आवाम के लिए इन्होंने मुश्किल करके रख दी हुई है, इससे बेहतर है कि ये हुक्मरान उतर जाए, ये हुकूमत खत्म हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान का आने वाला दौर बद से बदतरीन होता जा रहा है, बद से बदतरीन होता जा रहा है। 75 साल से हमें ये कहा गया कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों को आजाद करवाएंगे। आज लाहौर में लोग गुरबत से मर रहे हैं, आटे की लाइन में लग के मर रहे हैं। आज यहाँ के मजदूर से पूछा जाए कश्मीर चाहिए या आटा चाहिए, क्या कहेंगे लोग? सिर्फ इतना कहेंगे कि हमें कुछ नहीं, सिर्फ महंगाई कम कर दें। लोग सिर्फ कहेंगे कि महंगाई कम कर दें, आटा हम खुद खरीद लेंगे, आटा नहीं, ये मौत मिल रही है। एक रोटी खानी आप लोगों ने मुश्किल कर दी, क्योंकि ये अमेरिका के आगे, यहूदियों के आगे बिक चुके हैं। ठीक है, आपको लगता है कि कोई ऐसी इस टाइम पाकिस्तान में पार्टी मौजूद है? हमारी पाकिस्तान इंकलाबी पार्टी खूब जदोजहद कर रही है और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ना हम बिकने वाले हैं, ना हम खाने वालों में से हैं, ना हम पैसे मांगने वालों में से हैं, ना हम दूसरे लोगों से, इन हुक्मरानों की तरह दूसरे मुल्क ममालिक से मदद मांगने वाले।
वाले हैं, दूसरे ममालिक, लेकिन हमारा पाकिस्तान तो दूसरे ममालिक दूसरे कंट्री से हेल्प लिए बगैर चल ही नहीं सकता। जो इस टाइम सिचुएशन हमारे पाकिस्तान दूसरे ममालिक से हमारे हुक्मरान ऐसा कर रहे हैं, हमारी पार्टी ऐसा कर रही है, लेकिन हमारी जो पार्टी पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी है, इंशाल्लाह अपना हम लोग पूरे अपना हम लोग अपना हक लेके रहेंगे और इस महंगाई के लिए हम लोग लड़ेंगे और जब तक हमारी जिंदगी आए हम लोग अपना आवाज उठाते रहेंगे। ठीक हो गया, देखें जैसा कि आपने देखा मर्द हो या खवातीन हो, यहाँ पर गुरबत से तंग आकर लोगों ने इस टाइम एहतजाज किया है। बहुत से लोगों से यह पूछा गया कि इस कंडीशन में कश्मीर पहले चाहिए या आटा पहले चाहिए, जो सिचुएशन थी आपके सामने थी। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी आमना शहजादी। आपका नाम? यासीन हैदरी। यासीन हैदरी, आज ये जो आपने रैली निकाली है मजदूरों के लिए गरीब अवाम के लिए, क्या कहना चाहेंगे? 75 साल से ऐसी रैलियां सुन देखते आए हैं, कवर करते आए हैं, क्या ये चेंज आएगा? क्या आटे की महंगाई कम होगी, आटे की ये जो किल्लत है ये खत्म होगी? इंशाल्लाह हम ये रैली निकाल रहे हैं मजदूरों के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए निकाल रहे हैं कि जिस ये हुक्मरानों का जमीर सोए हुए हैं, है। हम इनके जमीर जगाने के लिए देखें कैसे गरीब अवाम बिलक रही है, कैसे चक्की तरह पिसली, उनके चूल्हे बंद हुए हुए हैं, इनको अपनी हुकूमतों को अपनी सीटों की पड़ी हुई हैं, इनको दिखाने निकले हैं कि आप आटे की लाइन में लाग के मार रही हैं, अपने बच्चे मार खुद अपने बच्चों को, ये लाइनों में आटा दे रहे हैं, आटा सस्ता क्यों नहीं कर रहे, आटा सस्ता करे ना, लाइनों में क्यों लगा रहे, खुद इनको मिल रहा है तो ये सस्ता दे रहे हैं, यही आटा रेट कम करे, सब पूरी आवाम को मिले, ऐसे जो खवातीन है बच्चे मर रहे हैं सबको मिले। अच्छा जो इस टाइम सिचुएशन है मुझे ये बताएं, मैं बहुत से लोगों को ये पूछा कि हमें 75 साल से कश्मीर का नारा लगाया गया सुनाया गया, आज यहाँ पर गरीब आवाम से गरीब मजदूर से पूछें भाई तुम्हें कश्मीर चाहिए या आटा चाहिए, क्या जवाब देंगे ईमानदारी से? आज अब तो सूरत हाल ये है, महंगाई इतनी हो चुकी है, इतनी गुर्बत आ चुकी है कि सफेद पोश का भी जीना हराम हो गया, तो भी नहीं बेचारा मांगता, वो भी जाहिर हो रहे हैं भीख मांगने पे। आप क्या कहना चाहेंगे ईमानदारी से बताइएगा, आज अगर मैं आपसे पूछूं या किसी भी गरीब पाकिस्तानी से पूछूं लाहौर शहर के अंदर कि भाई आपको आटा चाहिए या कश्मीर चाहिए, क्या जवाब आएगा? हमें जो है ना वो सिर्फ आटा टाइम पे मिल जाए, हमारी आवाम जो है ना वो भूखी मर रही है। ये देखें जी बहुत से लोगों से आज ये ओपिनियन ली, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, आटा चाहिए या कश्मीर? सबसे पहले बात तो ये है कि जब हमने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसके लिहाज से तो हमें कश्मीर भी चाहिए, लेकिन 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 अगर हम जिंदा रहेंगे तो कश्मीर के लिए जाएंगे, जब इधर के हुक्मरान ही मोदी बन जाएंगे तो हम कश्मीर को फतह कैसे करेंगे? आपने बोला इधर के हुक्मरान मोदी बन जाएंगे, वहाँ पर तो आटा बहुत सस्ता है, वहाँ पर तो डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रही है, एजुकेटेड लोग हैं, इन चीज को जानते हैं, तो वो तो अगर मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूँ आपको शायद हैरत हो, मैं कहता हूँ यहाँ के हुक्मरान मोदी जैसे बने ताकि वो अपने कंट्री को आगे पॉलिसीज ऐसी बनाए। उस सेंस में मोदी नहीं कह रहा, मैं उस सेंस में मोदी कह रहा हूँ जो कश्मीर के लिए मोदी बना हुआ है, ये पाकिस्तान के लिए इंडियन मोदी बने हुए हैं, इनका एक ही मकसद है पाकिस्तान की आवाम को मार दो और अपने बच्चों को जो है वो बाहर जाके जायदादें बना दो, उनके फ्लैट बना दो, उनके बंगले बना दो, जब इनका बारी आती है कि ये फ्लॉप हो रहे हैं तो ये मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। आज ये सिचुएशन आ गई है कि पानी भी बिक रहा है, ठीक है, जहाँ पर हम ये कहते थे पाकिस्तान में पानी की कमी नहीं है, पाकिस्तान में जो है कोई मादनियात की कमी नहीं, आज पानी भी बिक रहा है, वो भी साफ नहीं है, आटा तो दूर की बात। हम बिल्कुल जरखेज जमीन के जो है पाकिस्तान है, पानी हमारे पास वाफर है, मगर ये हमें पानी देना ही नहीं चाहते। हाँ जी है। सब लूट के सब बाहर ले गए हैं, गरीब आवाम पिसके कर्जा ये लेते हैं, अदा हम करते हैं। अच्छा, सर एक बात बताएं, आप इधर आइएगा, चेयरमैन साहब जी ये बताएं, हर साल नई पार्टी बन रही है, जिसका दिल करता है मेरा आज दिल करेगा कल मैं अपनी पार्टी बना लूंगा, लेकिन ये पार्टी बनने का फायदा क्यों नहीं हो रहा, कोई इनकलाब क्यों नहीं आ रहा, आवाम की आवाज आगे क्यों नहीं आ रही, 75 साल से क्यों पिसते जा रहे हैं? हर बंदा जो है ना वो पार्टी बनाता है जी, खूनी पार्टी बना रहा है, इमरान खान ने खूनी पार्टी बनाई है, हमारी जो पार्टी है ये इनकलाबी पार्टी है, ये गरीबों के लिए पार्टी है, हम उठे हैं इस के हम जो है नई पार्टियां बन रही हैं, ये पार्टी अब उठेगी और इनकलाब लाएगी। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये है कि हमारी पार्टी पुरानी है,
पाकिस्तान बनने से पहले नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन था और उसके बाद मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन आया। इस हमारी पार्टी में पहले जुल्फकार अली भुट्टो और उसका बेटा मुर्तजा भुट्टो भी शामिल था। जब उन्होंने हमारा ये जो मिशन था रोटी कपड़ा और मकान, उन्होंने अपने मकसद के लिए ये हमारा नारा ले लिया और अब ये ही नारा आपको लगता है कि बड़ी बड़ी पार्टियों ने आपका नारा यूज़ और ये हमारी जो पाकिस्तान इंकलाबी पार्टी है, पहले हमारी पीडीएफ और एनएसएफ थी, नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन और पीपल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ पाकिस्तान। उस वक्त से हम पिछले मेरे सवाल का बस जवाब दें, नो डाउट पार्टीज काफी हैं और ये इंटरनल मैटर्स हैं, क्या ऐसे ही नारे लगते रहेंगे, पार्टियां बनती रहेंगी, अब चेंज आएगा? हम ये जितने भी चेंज लाने वाले खोखले नारे मारने वाले, इन सबको हमने चेक कर लिया है, नवाज शरीफ से लेकर जरदारी और एंड में हमने इमरान खान को भी देख लिया है। अब हम मजदूर हैं, हम मेहनत मजदूरी करके खाते हैं। ये जितने भी हैं झूठे और फ्रॉडिये हैं, अब मजदूर की हुकूमत होगी, जो मजदूर कहेगा वो होगा, इन फ्रॉडियों का हमने कुछ नहीं मानना। जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, उम्मीद करता हूँ जैसे इनकी बातें हैं वैसे ही ये प्रैक्टिकली कुछ करें, आम आवाम की आवाज बने, आम आदमी की आवाज बने और पाकिस्तान में चेंज लाने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश करें। ये देखें कितनी है आवाम, ऐसा आगे चले जाएंगे, आए मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मरियम। मरियम साहिबा, ये बताएं सबसे पहले तो जो ये रैली है इसका मकसद क्या है, गुरबत से परेशान आकर ये रैली है या कोई और मकसद है? इस मकसद की ये मकसद ये हमारा ये है कि हम गरीब को रोटी दें, ठीक है, ना उनके पास कपड़ा है ना मकान है, कुछ भी नहीं है, इन लोगों ने उनसे हर चीज़ छीन लिया, अब गुरबत की खातर लोग अपने बच्चे मारे हैं, बच्चे भीख मांग रहे, जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए उन हाथों में कटोरे हैं। 75 साल से रोटी कपड़ा मकान का नारा हम सुनते आए हैं, कश्मीर का नारा हम सुनते आए हैं, वो ना तो रोटी कपड़ा मकान मिला ना कश्मीर मिला और यहाँ लोग आटे की लाइन में लगे ना, हम दिलाएंगे, अब जनरेशन हम आई है ना, पढ़ी लिखी कौन जैसी रानी, हाँ यूथ आई है ना, अब हम बचाएंगे ना, हम देंगे। मरियम साहिबा, ये बताएं जो इस टाइम कंडीशन है, आटे की लाइन में लोग लग के जाने दे रहे हैं, आज अगर हकीकत पे किसी यहाँ पे किसी यूथ से पूछा जाए, मजदूर से पूछा जाए, गरीब इंसान से पूछा जाए, ये पूछा जाए कि इस कंडीशन में आटा चाहिए या कश्मीर चाहिए, ईमानदारी से बताएं क्या जवाब देंगे? कश्मीर भी चाहिए, आटा भी चाहिए। नहीं, मैं इस टाइम कंडीशन की बात कर रहा हूँ, आटा आटा है, क्योंकि गरीब के पास रोटी नहीं होगी वो खाएगा, हाँ पहले पेट होगा तो फिर दूसरा काम होगा। आप इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? जी बस ठीक है, हम भी यही कहना चाहेंगे कि गरीब का हक गरीब का मिलना चाहिए। चोरों को कहें हमारा पाकिस्तान हमें वापस करे, ये चोर हैं। ये पब्लिक के आप एक्सप्रेशन देख सकते हैं, गुस्सा देख सकते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अब पाकिस्तान में चेंज आएगा। मुझे ये बताएं सिंपल सी, आटा या कश्मीरी सेम जो कंडीशन है सर, देखें पहले अपने पाकिस्तान को देखें, जो हमारे भाई भूखे मारे, यहाँ पे 28 करोड़ आवाम है, वहाँ पे 1 करोड़ आवाम होगी, लेकिन ये 28 करोड़ आवाम भूखी मार रही है। पहले तो हम पाकिस्तान को देखें ना, फिर हम दूसरे मुल्कों के देखेंगे, ये मेरा जवाब है जी। लाहौर में तो आप अपनी में तो देखें ना, पहले अपने हमसाये को देखें ना, फिर हम दूसरे हमसाये को भी देख लेंगे। पहले कश्मीर या आटा, इस टाइम जो आटा, आटा ये देखें जी साहब, मैं रैंडमली यहाँ पर लोगों से पूछ रहा हूँ, भाई जान इस टाइम जो कंडीशन है, कश्मीर चाहिए आटा चाहिए? फिलहाल तो आटा चाहिए भाई, यही चीज है और बड़ी दुख वाली बात है। जो ये हुकूमत ने हालात कर दिए ना, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, सिर्फ आटा नहीं उनको मिल रहा, लेडीज जो है वो दब के मर रही हैं, ट्रकों के नीचे आ रही हैं। मैंने बात किया खवातीन से, लेडीज पहले एक बंदे ने अपने 5 बच्चों को कत्ल कर दिया सिर्फ बेरोजगारी की वजह से, उसने गोलियां मार दी हैं, खुद को खाना नहीं खा सकते, सिर्फ खाने के पैसे नहीं थे उनके पास। अगर हमारे हुक्मरान देख रहे हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए, हम ना तो मतलब 75 साल से सिर्फ चूरन बेचते रहे कभी मजहब के नाम पे, ये क्या लगता है चेंज आ सकता है कि हम ऐसे ही रोते रहेंगे, चीखते रहेंगे, चलाते तो हमें किसी भी हुकूमत पे किसी भी पार्टी पे यकीन नहीं है। अच्छा नहीं, जब आप यकीन नहीं रखेंगे तो चेंज कैसे आएगा? तो सर कैसे करें ना, अदालतों पे हमें यकीन नहीं है, फौज पे हमें यकीन नहीं है, जो कुछ फौज कर रही है अदालतों में, अगर कोई इंसाफ करने के लिए आता है तो ये हुकूमतें जो हैं ये उसको खराब कर देती हैं। मैं ये समझता हूँ अदारे सब अच्छे हैं, अदारों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन जो कुछ लोग गलत साथ हैं, पीटीआई के साथ हैं हम, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छा हमें लम्हे दिए थे, कुछ चीज़ें अच्छी दी थी, लेकिन उनके दौर में जितना हमने दूसरे कंट्री से या IMF से जितना लोन लिया शायद उससे उनसे ज्यादा किसी और। सर वो पिछली हुकूमतों ने भी तो लिया हुआ था ना, ये भी तो देखे ना, ये कम से कम जितने इस पे 85 केस बने हैं, कम से कम मुल्क छोड़ के भागा तो नहीं, इसको गोली लगी है, ये पाकिस्तान में रहा है, ये
हमारे मियां साहब को बुखार चढ़ा है तो वो लंदन चले गए हैं। अच्छा, आज तक उनका बुखार नहीं उतर सका। 70 साल से कश्मीर का नारा सुनते आए सर, सुनते आ रहे हैं, वो तो मिला नहीं, एक्शन नहीं हुआ, वो तो मिला नहीं, कोई भी प्रॉपर एक्शन नहीं वाले आने टाइम में, अल्लाह ना करे ये ना हो एक नया नारा बने हम आपको आटा देंगे, मतलब कश्मीर से लदा एक नया नारा बने हम आटा फतह करेंगे, आटे की लाइन फतह करेंगे, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो क्या आटा मिलेगा आने वाले टाइम में? जो सर कोई उम्मीद नहीं है, यकीन माने कोई उम्मीद नहीं। ठीक हो गया, देख लें जी जो सिचुएशन है आपके सामने। आइए, यहाँ पे बहुत से लोग मौजूद हैं, बहुत गमो गुस्से में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम जी परवेज आरिफ है। परवेज भाई, थोड़ा साइड पे आ जाए, थोड़ी आपसे गुफ्तगू करते हैं। मुझे ये बताएं, 75 साल से कश्मीर कश्मीर का नारा लगता रहा, कश्मीर का चूरन बिकता रहा। जी पहले मैं पूरा तारफ करवा दूं, मैं मरकजी नायब सदर हूं। इधर इधर को आ जाए। जी जी, मरकजी नायब सदर हूं NSF पाकिस्तान का, नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन का। अब आप सवाल करें। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, 75 साल से कश्मीर कश्मीर का नारा लगता रहा, ये आज यहाँ की अगर पब्लिक से पूछा जाए आटा चाहिए या कश्मीर चाहिए, ये जो सूरत हाल देख के क्या कहेंगे लोग? देखें जी, इसका मतलब सिर्फ यही है कि बादशाहरी है। जी जी। रियासत ने हमेशा चाहा ही नहीं कश्मीर आज़ाद कराना। और दूसरी बात ये है कि कश्मीर की आवाम क्या चाहती है? कश्मीर की आवाम क्या? नहीं नहीं, वो कश्मीर की आवाम जो भी चाहती है वो एक अलहदा इशू है। आज पाकिस्तान की पब्लिक लाहौर की सड़कों पे ये जो लोग हैं ये क्या चाहते हैं? ये आज़ादी चाहते हैं ना। पाकिस्तान 75 सालों से आज़ाद नहीं हुआ, उस गोरे खुद आजाद नहीं हुए, नहीं आजाद हुए। हम तो कश्मीर को आजाद करने सर, कश्मीर को ये तो चूरन है ना, बेच रहे हैं रियासत के पास, और क्या हथकंडे यही होते हैं, वो चूरन बेच रही है। उन्होंने फिरका प्रस्ती के नाम पर, उन्होंने जागीरदारी के नाम पर, उन्होंने सरमाया के नाम पर, कौमियत के नाम पर, ये मुलाटे, ये मुल्ला, ये सब के सब बिके हुए हैं, ये सब मुल्ला हजरात को कुछ ना कहे फतवा लगे, कोई बात नहीं, जब हक पे चलना है तो फिर फतवे की क्या बात होगी। ये देखें जी, पाकिस्तान की यूथ चाहे गरीब है चाहे अमीर है, काफी हद तक अवेयर होने लगी है, पता लगने लगा है कि क्या 75 साल से हमें चूरन बेचा जाता रहा। आज अगर कश्मीर की बात करें, जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वहाँ पे आपको पता है आटे का क्या रेट है, वहाँ पे आपको पता है बिजली का क्या रेट है, और जिसे आजाद कश्मीर कहते हैं उधर क्या रेट है? देखें जी, यही तो मसला है ना, वो रियासत चाहते ही नहीं है। पाकिस्तानी आवाम जो खुद गुलाम है, खुद जनाब आटा इतना महंगा खरीद रही है, अगर उनको कुछ चीज नजर आए तो वो पाकिस्तान की हामी बने ना। अगर वो पाकिस्तान खुद गुलाम है तो पाकिस्तान की वो कैसे आजादी आ जाएंगे? ठीक हो गया, अच्छा लगा इनसे बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ अवान है और वेस्टर्न लाहौर का प्रेसिडेंट हूँ। इस टाइम ये जो बड़ी तादाद में खवातीन भी मौजूद हैं, मर्द हजरात भी मौजूद हैं, किस वजह से रोड पे आना पड़ा आज हमारे घर की बहनों को बेटियों को, किस वजह से रोड पे आना पड़ा मुझे जरा बताइएगा। आज ही हम मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, इजारे यकजहती, गरीब आवाम के साथ, उनके साथ इजारे यकजहती के लिए हम बाहर निकले हैं। और अच्छा मुझे ये बताएं, जैसे अभी खबरों में आ रहा है सस्ता आटा तो मिल रहा है, लेकिन उस सस्ते आटे की लाइन में लग के लोगों की जानें जा रही हैं, पांच पांच बच्चे लोग अपने वैसे ही अपने हाथों से कत्ल कर रहे हैं कि रोटी नहीं दे सकते। हमें नारा 75 साल से कश्मीर का सुनाया गया और आज हमें आटा नहीं मिल रहा, कश्मीर तो दूर की बात। असल में ये सब इनके खोखले नारे हैं, जिनके पीछे ये छुप के जो है ना अपने मफादात और अपने मकासद के लिए काम करते हैं। गरीब आवाम के लिए कोई कानून नहीं है, कोई कानून है लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं है। आपको लगता है कि गरीब आवाज़ जो गरीब मजदूर है उसके लिए जो एक डेली बेस पे जो तनख्वाह होती है, दिहाड़ी होती है, क्या वो पाकिस्तान में उतनी दी जाती है आपके ख्याल में? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी मजदूर का हक उसको नहीं दिया जाता, बल्कि मजदूर की हमारी आवाज़ है कि मजदूर की जो मजदूरी है वो एक तोला सोने के बराबर होनी चाहिए, ताकि वो अपने मामलात ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सके, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सके, अच्छा रोजगार दे सके। अच्छा, कहीं पे ये सुनने में आता है जब मजदूरों की बात करते हैं, जब उनकी तनख्वाहों की बात करते हैं, तो कहते हैं कि इस टाइम पाकिस्तान क्राइसिस का शिकार है जिसकी वजह से तनख्वाहें नहीं दे सकते। क्या दुनिया के दूसरे कंट्रीज जो चाहे क्राइसिस का शिकार हों, गरीब हों अमीर हों, क्या वो मजदूरों के साथ ये सलूक करते हैं? मेरा तो ख्याल है कि बाहर की दुनिया में मजदूरों के लिए ज़्यादा कुछ है बनिस्बत पाकिस्तान के। ठीक है। पाकिस्तान हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे हासिल किया, लेकिन और कोई काम हो रहा है इसके मुताबिक? नहीं, बिल्कुल भी इसके मुताबिक कोई काम नहीं हो रहा। सब लोग जो भी आते हैं नारा लगाते हैं और फिर बाद में अपने मफादात के लिए काम करते हैं।
जबकि इंशाल्लाह ताला हमारी पार्टी पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी हर फोरम पे हर जगह पे मजदूरों के साथ खड़ी है। ये जो आपकी पार्टी का सुर्ख झंडा है ये तो इनकलाब की निशानी होती है सुर्ख झंडा, जहाँ तक मुझे पता है जो रेड फ्लैग है इनकलाब की निशानी है। क्या आपकी पार्टी के थ्रू कोई इनकलाब आएगा या जैसे हर साल नई पार्टी बनती है वैसे ही एक नई पार्टी बन गई है? देखिए जी, पार्टियां तो बहुत सारी हैं, आप कागजात उठा के देखिए, कुछ लोग अमलन काम कर रहे हैं और कुछ जो है ना कागजों तक महदूद है। लेकिन हमारे जो परचम का रंग है ये शिकागो में जो मजदूरों पे जुल्म किया गया था, जो उनको कत्ल किया गया था, उसकी वजह से हमारे परचम का रंग सुरख है। और इंशाल्लाह ताला हम जो है ना बहुत जल्द एक बड़ी बहुत बड़ी ताकत उभरेंगे बनके उभरेंगे, ताकि हम मजदूरों के साथ हर टाइम खड़े रहे, हम उनके हकूक के लिए काम करें। बिल्कुल जी, मैं खुद चाहता हूँ पाकिस्तान में कोई भी ऐसी पार्टी, कोई भी ऐसी जमात जो मजदूरों के लिए बात करे, जो आम पाकिस्तानियों के लिए बात करे, उसे आगे आना चाहिए। और पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि ऐसी जमात को सपोर्ट करे जो मजदूरों की आवाज है, जो आम आदमी की आवाज है। हम पार्टीज को वोट तो देते हैं लेकिन बाद में कभी हमें कोई कश्मीर का चूर्ण देता है, कभी मजहब का चूर्ण देता है, कभी हमें अमेरिका का दुश्मन बनाता है, कभी इंडिया का दुश्मन बनाता है। हमें किसी से दुश्मनी नहीं करनी, हमें अपना पेट पालना है, अपने पाकिस्तान की हालत को बेहतर बनाना है। ये थी आज की वीडियो, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। जी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो रियासत मदीना होती है वहाँ पे लोगों को आटा लेने के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ता, बल्कि उनके उनके घरों में आटा पहुँचता है। हुक्मरानों का काम है कि वो अपने कंधों पे आटा रख के मजदूर के घर में पहुँचाए। दोस्तों, आपको वीडियो हमारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो नीचे कमेंट में बताना, और ये भी बताना कि जो पाकिस्तान में जो कश्मीर चाहिए या आटा चाहिए इनको लेकर जो है काफ़ी वहाँ पर नारेबाजी रोड पे हो रही है। तो आपको वीडियो कैसी लगी तो नीचे कमेंट में बताना। तब तक के मिलते फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ओरिजिनल क्लिप चाहिए तो नीचे देगा लिंक है, आप वीडियो को देख सकते हैं।